पुलिया के पास निवास करने वाले सोनी परिवार 50 साल से परंपरा को निभा रहे हैं। गोवर्धन पूजा कुछ एक अनोखी तरह से निभाते आ रहे हैं। इस परंपरा को उनकी बेटी निभा रही है। पहले दादाजी इसको बनाया करते थे, उनकी देख रेख में गोवर्धन पूजा होती थी। अब बेटी ने बताया 10 से 11 घंटे इस प्रतिमा को बनाने में लगे। विधि विधान से परिवार ने पूजा अर्चना की। अन्नकूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार उस समय की याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। दोबारा नमस्कार, मैं हूं रायन पटवा। जैसा कि आप विधिवत पता है कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का चलन है और विधिवत पूजा आज आप ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो करीब 50 सालों से गोवर्धन पूजा की परंपरा को संभाले हुए हैं और ऐसा गोवर्धन चित्र बनाते कभी कहीं देखा भी नहीं हुआ ना कभी सुना होगा। जानते हैं उनके बारे में, उनकी बेटी जो इस परंपरा को संभाले हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नेहा सोनी है। ये कहाँ से सीखा हुआ, किस तरह से आपको ये मिला, किस क्या पूरा? मेरे दादाजी बनाते थे, हम लोग लगभग जब छोटे से ही देखती चली आ रही हूँ, सुनते हैं कि दादाजी बहुत पहले से ही बनाते हैं। लगभग 50 साल तो मेरे दादाजी को ही हो गए थे और उसके बाद 8 साल से मैं बना रही हूँ। और ये परंपरा जो है हमारे चाचा लोगों तक भी पहुँच गई है दादाजी के जाने के बाद। जब मैंने शुरू किया सबको लग रहा था कि शायद अब ये परंपरा कहीं ना कहीं अब हमारे यहाँ नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिली और हमारे चाचा जी लोग भी बनाने लगे हैं। हम तो वहीं से दादाजी से ही प्रेरणा मिली और ठाकुर जी की भावना जो है, उनके प्रति स्नेह है, जो प्रेम की भावना है, वहीं से आई दादाजी से मिली। कितने घंटे लगते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, किस तरह पूजा अर्चना होती है? लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं भगवान को मूर्त रूप में विराजमान करवाने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए। और विधिवत पूजा जैसी दादाजी करते थे वैसी आज भी हो रही है। उनके लिए गोधन का प्रसाद बनता है और जो भी हम बना सकते हैं अन्नकूट वो उनके लिए बनाते हैं, उनको हम लोग खिलाने। देखिए आप जो बनाया है चित्र को, देखिए आप किस तरह जो चित्र बनाया उनके, वो चित्र को आप देख सकते हैं। एक चित्र में जिस तरह एक जान डाल ली जाती है उस तरह नेहा जी ने अपने लोग किया है, वो एक कोशिश की है। आप देख सकते हैं उनके परिवार से बात करके, उनके दादाजी से बात करके, दादाजी बाबा जी क्या है ये, किस तरह है परंपरा आप बताएं पूरा। क्या है, हमारे पिताजी ने परंपरा डाली है और हम बचपन से उनको देख के आ रहे बनाते। मैं तो फिर अपनी दुकानदारी में भी जाता, लेकिन हर साल पिताजी सुबह से बैठ के इनको मूर्त रूप देते और पूजा करते थे। समय लगता था तो हम लोग कलर वगैरह जरूर कर देते थे, नजी सहयोग पूरा उनका लो, क्योंकि इनकी आरा हमारे पिताजी की आराधना देव राधा कृष्ण हैं। कितने साल से बना रहे थे पिताजी? 50 साल से तो ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं। और उनकी माँ से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि, या उनकी बेटी से बात करते हैं, एक और बहन है उनकी, क्या बताएंगे आप किस तरह है, आपने बनाया है, आप भी बनाया करती है, बहन ने बताया, तो आप कितने समय लगता है, कैसे प्रेरणा मिली है? जी, हमको हमारे रिश्ते को बनाने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं पूरे। आज मैंने पहली बार मतलब कोशिश की बनाने की, तो मैं सुबह से बना रही हूँ, अब हमारे जाके पूजा कंप्लीट हो पाई है। मतलब हमको बहुत टाइम लगता है, मतलब उनका रूप लाने में इतना सुंदर चित्र के हम उनसे मोहित हो जाए, इतना समय लग जाता है हमको 12 घंटे। कैसे बनाया, किस तरह इस गोबर में बना लिया, तो किस तरह बनाया जाता है इसको? हमने गोबर लिया, गोबर को अच्छे से मिक्स करने मतलब उसको करना पड़ता है, उसके बाद हमने कोशिश करते हैं, चेहरा बनाते हैं, तो पूरा जड़ बनाते हैं, उनके चरण बनाते हैं, उनके हाथों को बनाते हैं। कैसे सीखा आपने इसको? ये आवाज जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी बनाते थे, तो मैं उनके पास आके बैठ जाती थी, देखती थी, फिर वो बनाते रहते थे, कलर करते थे हम उनके साथ बैठ के। फिर हमारी दीदी ने बनाना स्टार्ट किया दादाजी के जाने के बाद, तो फिर उनके साथ हम लोग बैठ के पूरा बनाने की कोशिश करते, मतलब वो बनाती थी, हम देखते थे और लास्ट में कलर करवाते थे। इस बार पहली बार मैंने बनाया है, कोशिश की है दादाजी और दीदी और वैसे मैं बना पाऊँ। एक परिवार है जो एक 50 साल से अपने दादाजी की परंपरा को निभा रहा है। आप दतिया से राजेंद्र पटवा। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।